आपका स्वागत है टेक्निकल रोहित मराठी में। दोस्तों आज हम देखेंगे कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो कैसे डिलीट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि फेसबुक अकाउंट डिलीट करने के लिए एक वीडियो बनाओ, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका फेसबुक लाइट, फेसबुक ऐप या फिर फेसबुक वेबसाइट पर जो अकाउंट है वो कैसे डिलीट करना है। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी पक्षपाती के शुरू करते हैं हमारे आज की ये वीडियो। तो दोस्तों अब पहले आपको जो भी आपका ऐप है या फिर वेबसाइट पे अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं फेसबुक लाइट पे दिखा रहा हूँ दोस्तों। फेसबुक लाइट वाले जो भी है वो यहाँ पे जाके आपको राइट कोने में तीन वर्टिकल लाइंस दिखेंगे, बार्स, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रोल डाउन कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन जो है उस पे क्लिक करना है। तो सेटिंग्स ऑप्शन खोलने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट सेक्शन में तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी और पेमेंट्स। तो यहाँ पे आपको जो पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है जो कि आप फेसबुक के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं अपना वाला डाल देता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर जो भी है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर एडिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप मेमोरलाइजेशन सेटिंग्स और डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन। तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको अगर डीएक्टिवेट करना है थोड़े दिनों के लिए तो आप यहाँ पे डीएक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पूरे तरीके से डिलीट करना है आपको तो आप परमानेंटली डिलीट करने के लिए ये दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान से चूज़ कर लेना दोस्तों। अगर आपको डीएक्टिवेट करना है तो डीएक्टिवेशन वाला ही अकाउंट का जो ऑप्शन है वो चूज़ कर लीजिए, और अगर परमानेंटली डिलीट करना है तो डिलीट अकाउंट का ऑप्शन कर लीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे आपको डीएक्टिवेट करना है या फिर डिलीट करना है तो कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डिलीट अकाउंट पे हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। डिलीटिंग योर अकाउंट इज परमानेंट, व्हेन यू डिलीट योर फेसबुक अकाउंट यू वॉन्ट बी एबल टू रिट्रीव द कंटेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव शेयर्ड ऑन फेसबुक, योर मैसेंजर एंड ऑल ऑफ योर मैसेजेस विल ऑल्सो बी डिलीटेड। तो यहाँ पे आप इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना अकाउंट परमानेंटली डिलीट करते हैं तो आप अपना जो अकाउंट का डाटा था वो रिट्रीव नहीं कर सकते, मतलब वो वापस नहीं पा सकते। अगर एक बार डिलीट हो चुका अकाउंट तो उसके बाद आपके मैसेजेस वगैरह भी सब जो फेसबुक पे डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। और अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो ये डीएक्टिवेशन टेम्पररी होता है, तो आपका जो डाटा और जो भी आपके मैसेजेस वगैरह हैं वो सेव हो जाएंगे, और जब आप अपना लॉगिन करेंगे वापस तो फिर से आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो ध्यान से चूज़ कर लीजिएगा, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो डिलीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट डिलीट नहीं करना चाहता, तो आप आगे का कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल होती है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलना, और लाइक और शेयर कर देना दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।